हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी एमसीक्यूज का पार्ट टू, जिसमें हम अगेन आपके लिए 30 एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिसके आंसर के साथ उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे पहले पार्ट में भी हमने 30 एमसीक्यूज बताए थे, आंसर के साथ एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो का जो लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, कोलैप्स्ड सेल रिकवरिंग ट्राइकोम इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं डायस्कोरिया, सेना, रुबाब एंड डिजिटलिस। तो इसका सही ऑप्शन है डिजिटलिस। डिजिटलिस के लीव्स में कोलैप्स्ड सेल कवरिंग ट्राइकोम होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेना, सेना में वार्टी ट्राइकोम्स होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर कोनिकल थिक वॉल्ड वार्टी ट्राइकोम, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सेना लीव का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द निवेली सेना इज एडल्टरेटेड विद। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कैजिया अंगस्टिफोलिया, कैजिया क्यूटिफोलिया, कैजिया अवोटा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कैजिया अवोटा, जिसको डॉग सेना भी कहा जाता है। और तिन्नेवेली सेना में मिलावट करने के लिए कैजिया अवोटा मीन्स डॉग सेना को यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि कैजिया अंगस्टिफोलिया, तो कैजिया अंगस्टिफोलिया तिन्नेवेली सेना का बॉटनिकल नेम होता है, जिसको इंडियन सेना भी कहा जाता है। और कैजिया क्यूटिफोलिया ये अलेक्जेंड्रियन सेना का बॉटनिकल नेम होता है। सेना क्या होता है, ये ड्राइड लीफलेट्स होता है, और इसके प्लांट जो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली को। और इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो है सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी, जो कि एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट, बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन सेना। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कैजिया अंगस्टिफोलिया, कैजिया इंडिका, कैजिया फिस्टुला एंड कैजिया क्यूटिफोलिया। तो अभी हमने आपको बताया था जो इंडियन सेना, जिसको तिन्नेवेली सेना भी कहा जाता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है कैजिया अंगस्टिफोलिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ड्राइड लीफलेट्स है ऑफ कैजिया अंगस्टिफोलिया। इसके बाद नेक्स्ट, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सो सुगर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं विटालिमोरिन, बॉर्न ट्रेगर टेस्ट, किलर किल्यानी टेस्ट एंड साल्कविस्की टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है किलर किल्यानी टेस्ट। किलर किल्यानी टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटॉक्सो सुगर, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, डिजिटलिस के लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये डिजिटलिस जो है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, स्क्रोफुलेरियसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है विटालिमोरिन, ये स्पेसिफिक होता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए। बॉर्न ट्रैगर जो है ये स्पेसिफिक होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। और साल्कविस्की टेस्ट ये स्पेसिफिक होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ सेंटेला एसियाटिका, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है जलब्रह्मी। तो सेंटेला एसियाटिका कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ऑप्शन दिए गए हैं एपोसाइनेसी, स्क्रोफुलेरियसी फैमिली, अम्बेली फेरी फैमिली एंड लिलियसी। तो इसका सही ऑप्शन है अम्बेली फेरी। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सेंटेला एसियाटिका है। सेंटेला एसियाटिका को इसका कॉमन नेम जलब्रह्मी, इसको मंडुक पर्णी भी कहा जाता है, और इसके ड्राइड हर्ब को यूज करते हैं एज अ नर्वाइन टॉनिक। इसके अलावा एक और ब्रह्मी होता है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है बैकोपा मोनेरी, और इसके लीव्स और स्टेम को यूज किया जाता है एज अ नर्वाइन टॉनिक, और ये स्क्रोफुलेरियसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल मींस यूकेलिप्टस ऑयल, जिसको नीलगिरी का तेल भी कहा जाता है, उसके अंदर मेन केमिकल क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सिट्रोनिनॉल, सिनियॉल, जिरानियॉल एंड लाइमोनिन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सिनियॉल। इस सिनियॉल को यूकेलिप्टॉल भी कहा जाता है, और ये मोनोटर्पिनॉइड्स कहलाता है, और लगभग यूकेलिप्टस ऑयल में 80% ये सिनियॉल प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूकेलिप्टस के लीव्स है, और इस लीव से आइसोलेट किया जाता है यूकेलिप्टस का वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस परप्यूरिया लीव। डिजिटलिस परप्यूरिया लीव में कौन से टाइप का स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एनोमोसाइटिक स्ट्रोमेटा, डायसाइटिक स्ट्रोमेटा, एक्टिनोसाइटिक स्ट्रोमेटा एंड एनिसोसाइटिक स्ट्रोमेटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इमेज है ये डिजिटलिस परप्यूरिया प्लांट का है, और इसके लीव्स को यूज किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग।
तो डिजिटलिस के लीफ में एनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा मतलब कि जो एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो स्टोमा सराउंडेड होता है बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल जो कि रिसेंबल करता है अदर एपिडर्मल सेल से। इस एनोमोसाइटिक स्टोमेटा को रेनिनकुलेसियस स्टोमेटा भी बोला जाता है या इररेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी कहा जाता है और इस डिजिटलिस को यूज करते हैं एज अ कार्डियोटॉनिक, मतलब कि इसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइट प्रेजेंट होता है डिजिटॉक्सिन। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एसेंस ऑफ मस्टर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सिलेरिन, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड थायोग्लाइकोलेट। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसको एसेंस ऑफ मस्टर्ड कहा जाता है। मस्टर्ड प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है ब्रैसिका निग्रा, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। मस्टर्ड सीड मीन्स सरसों के बीज में आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिनिग्रीन, जिसको पोटेशियम मायरोनेट भी कहा जाता है। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड मतलब कि इसके एक ग्लाइकोन में आइसोथायोसाइनेट प्रेजेंट होता है, मीन्स सल्फर अलोंग विथ नाइट्रोजन, और इसमें जो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड सिनिग्रीन जो प्रेजेंट होता है वो मस्टर्ड के सीड में मायरोसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है और इसी मायरोसिन एंजाइम के प्रेजेंस में सिनिग्रीन जो है हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और क्या बनता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, और इसी एलाइल आइसोथायोसाइनेट को एसेंस ऑफ मस्टर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड ऑफ बिटर एलमंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं प्रोनेसिन, ग्लाइसिराइजिन, एमिग्डेलिन एंड सेनेग्रीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एमिग्डेलिन, एमिग्डेलिन जो कि क्या है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है जो कि बिटर एलमंड में प्रेजेंट होता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड मतलब कि इस ग्लाइकोसाइड के एक ग्लाइकोन पार्ट में हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोलिसिस होने पे यही हाइड्रोसाइनिक एसिड रिलीज होता है। बिटर एलमंड में जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है उसका नाम है एमिग्डेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कैस्केरा, सेना, वेनिला, बियरबेरी। तो इसका सही ऑप्शन है वेनिला, वेनिला में एल्डिहाइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। वेनिला का सोर्स होता है अनराइप फ्रूट ऑफ वेनिला प्लेनिफोलिया और इसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो है ग्लूकोवेनिलिन। इस वेनिला के अंदर जो वेनिलिन प्रेजेंट होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो ग्लूकोवेनिलिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स ग्लूकोवेनिलिन हाइड्रोलिसिस होने पे वेनिलिन रिलीज करता है, लगभग 2% प्रेजेंट होता है और इस वेनिलिन को यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम अल्कलॉइड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं नार्कोटीन, मॉर्फिन, कोडीन एंड पेपेवरीन। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी ओपियम अल्कलॉइड है, लेकिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव ओपियम अल्कलॉइड है वो है पेपेवरीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पेपेवरीन विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कंटेन एन एवरेज स्पोर ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 91,000, 92,000, 90,000 एंड 94,000। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 94,000। और ये जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है ये जो है एनालिटिकल टेक्निक होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द पाउडर्ड क्रूड ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन। ऑप्शन हैं गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट एंड लीगल टेस्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट टैनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, लीगल टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिमिसिनिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द आर्टिमिसिया एनोआ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लैप्रोसी, सेरिब्रल मलेरिया, ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक रूमेटिज्म। तो इसका सही ऑप्शन है सेरिब्रल मलेरिया। जो आर्टिमिसिनिन होता है जो आर्टिमिसिया एनोआ से ऑब्टेन किया जाता है उसकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण से इसको सेरिब्रल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डिजिटलिस, बेलाडोना, वसाका एंड सेना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बेलाडोना, बेलाडोना में एनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एनिसोसाइटिक स्टोमेटा मतलब क्या होता है, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होता है वो 3 subsidiary cell से सराउंडेड होता है, मीन्स 3 subsidiary cell होते हैं उसमें से जो एक सब्सिडरी सेल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सब्सिडरी सेल है ये छोटा होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द अदर 2
सब्सिडरी सेल, तो इसी को हम एनिसोसाइटिक स्ट्रोमेटा बोलते हैं। इसके अलावा धतूरा, स्ट्रोमोनियम, विंका, इसमें भी एनिसोसाइटिक स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। इसको क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा भी कहा जाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि डिजिटलिस, तो जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था डिजिटलिस में एनिमोसाइटिक स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। वसाका में कौन से टाइप का स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है? डायासाइटिक स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। डायासाइटिक स्ट्रोमेटा या इसको कैरियोफाइलेसियस टाइप स्ट्रोमेटा भी कहा जाता है। और सेना में पैरासाइटिक स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है जिसको रूबेसियस टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा भी कहा जाता है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल यूज्ड फॉर ऑयली सस्पेंशन फॉर इंजेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, चालमुगरा ऑयल, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को यूज किया जाता है एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑयली इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ऑफ बैकोपा मोनेरी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एपीएसी, स्क्रॉफुलेरिएसी, मेनिस्पर्मिएसी एंड लेगुमिनेसी फैमिली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है स्क्रॉफुलेरिएसी फैमिली, मीन्स बैकोपा मोनेरी, जो कि कॉमन नेम ब्रह्मी कहा जाता है जिसको, इसको स्क्रॉफुलेरिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये बैकोपा मोनेरी मीन्स ब्रह्मी का है। इसे पहले भी हमने आपको बताया था जल ब्रह्मी वाले क्वेश्चन में, उसको भी ब्रह्मी कहा जाता है बट उसका बॉटनिकल नेम सेंटला एसियाटिका होता है और वो अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जो ब्रह्मी है होता है बैकोपा मोनेरी और ये स्क्रोफुलेरियसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेचर ऑफ कोडिनेस, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक मोनोएसिडिक बेस, स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस एंड वीक डायबेसिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस। कोडीन जो कि एक ओपीएम अल्कोलाइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस होता है और लिवोरोटेटरी होता है। कोडीन को मिथाइल मॉर्फिन भी कहा जाता है। अलावा जो अदर ओपीएम अल्कोलाइड है जैसे कि नारकोटीन, पेपेवरीन, ये वीक मोनोएसिडिक बेस होते हैं, लेकिन जो नारकोटीन होता है ये लिवोरोटेटरी होता है और इसका सॉल्ट फॉर्म डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन पेपेवरीन जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम एंड राइपन फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल, यहाँ पे बॉटनिकल नेम दिया गया है अनानास कोमोसस। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सेरेशियोपेप्टाइडेस, सिटेलेन, ब्रोमिलेन, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है स्टेम और राइपन फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल मींस अनानास के फ्रूट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक अफेक्ट ऑफ नटमेग इज ड्यू टू, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फिलेंड्रीन, बोर्नाइल एसिटेट, लाइमोनिन एंड मिरिस्टिसिन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मिरिस्टिसिन, मीन्स मिरिस्टिसिन जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होता है। नटमेग किसको बोलते हैं? नटमेग जिसको हिंदी में जायफल कहा जाता है, इसमें 15-16% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और 30% फैट प्रेजेंट होता है और इस वोलेटाइल ऑयल में लगभग 4-8% मिरिस्टिसिन प्रेजेंट होता है। और ये कहा जाता है कि मिरिस्टिसिन पॉइजनस होता है जिसको मिथॉक्सी सेफ्रॉल भी कहा जाता है और कहा जाता है नटमेग का जो नार्कोटिक अफेक्ट है वो इसी मिरिस्टिसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैथेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैस्टर ऑयल इज ड्यू टू द इरिटेंट एक्शन ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सिट्रिक एसिड, एंटीकोनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड एंड मिरिस्टिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रिसिनोलिक एसिड। कैस्टर ऑयल में ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसी रिसिनोलिक एसिड की वजह से ये कैथेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू इरिटेंट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शंस दिए गए हैं पेप्सिन, डायस्टेस, सेरेशियोपेप्टाइडेस एंड पपेन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डायस्टेस, मतलब कि जो डायस्टेस है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होता है, ये अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है। डायस्टेस क्या है? इसको अमाइलेज भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलाइवा में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल में ये प्रेजेंट होता है और ये अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है। अमाइलोलाइटिक एंजाइम मीन्स ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, ये प्रोटियोलाइटिक नहीं होता है, मीन्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करता है। इसके अलावा जैसे पेप्सिन, सेरेशियोपेप्टाइडेस, पपेन, ये सभी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीएम अल्कोलाइड प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एंथ्रेनिलिक एसिड, कोरिस्मिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड मैकोनिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मैकोनिक एसिड, मीन्स ओपीएम अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है नेचुरली एज अ सॉल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड और इसी मैकोनिक एसिड की वजह से ओपीएम के प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग मैकोनिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा चैन इज द सिनोनिम ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं
अश्वगंधा, रॉल्फिया, एपिकॉक एंड बेलाडोना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रॉल्फिया। रॉल्फिया जिसका सिनोनिम छोटा चंद होता है, इसको सर्पगंधा भी कहा जाता है। रॉल्फिया क्या होता है, ये रूट्स एंड राइजोम होता है ऑफ प्लांट रॉल्फिया सर्पेंटिना, जो कि एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इस रॉल्फिया में रेजपिन प्रेजेंट होता है, जो कि इंडोल अल्कोलॉइड है। और इसी रेजपिन प्रेजेंट होने की वजह से इसको इसकी हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स एंटी हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइटरपिनॉइड। ऑप्शन दिए गए हैं मैंथॉल, टैक्सोल, सेंटिलॉल एंड यूजेनॉल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है टैक्सोल। टैक्सोल जो कि डाइटरपिनॉइड है, ये एंटी कैंसरस ड्रग होता है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं मेंथॉल और यूजेनॉल, ये दोनों मोनोटर्पिनॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आता है, और सेंटिलॉल ये सेस्क्यूटर्पिनॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन ट्राइटरपिन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6, मीन्स ट्राइटरपिन में टोटल 6 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि 2, मोनोटर्पिन में 2 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है, सेस्क्यूटर्पिन में टोटल 3 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और डाइटरपिन में 4 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरफुल एंटीकोगुलेंट सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हिरुडीन, हिपेरिन, प्रोटामिन एंड बिलावरिडीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हिरुडीन। हिरुडीन जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच, लीच मतलब कि जोंक, और ये जो हिरुडीन है ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन हैम्प इज द सिनोनिम ऑफ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बेलाडोना, कैनाबिस, दतुरा एंड बॉसेलिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कैनाबिस। कैनाबिस जिसको इंडियन हैम्प बोला जाता है, और ये सोर्स होता है भांग, गांजा, चरस। नेक्स्ट है यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं क्लोव, तुलसी, सिन्नामन एंड ऑल एवो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल एवो, मीन्स क्लोव, तुलसी, सिन्नामन, इनके सभी के वोलेटाइल ऑयल में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन इफिड्रा अल्कोलॉइड आर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एंड सिम्पेथोमाइमेटिक एंड सिम्पेथोलाइटिक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सिम्पेथोमाइमेटिक। इफिड्रा जो कि ड्राइड यंग स्टेम होता है ऑफ प्लांट इफिड्रा जियार्डियाना, और इसके अंदर जो मेन अल्कोलाइड होता है वो है इफिड्रीन, और इस इफिड्रीन की सिम्पेथोमाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है एज अ ब्रोंकियो डायलेटर इन अस्थमा, और इसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन जैसे कि हे फीवर। ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।